मति धी। अगला दुआ तो ध्यान दीजिएगा, स्थिति क्या है कि रावण आ रहा है, आज यह पूरी रावणी ताकत है डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा इसको बहुत ही चित्त को स्थिर करके सुनिएगा, क्योंकि बहुत भयंकर डर लग रहा होगा ना, बहुत बड़े बड़े हैं सब, करोड़ों करोड़ों की संख्या में चेला पैदा कर दिए हैं, जान जाइए आज, पहली बात थोड़ा सा निर्मल भाव से जानिएगा ना, बिना मांगे बिना मांगे जो धन का हरण करता है उसे बेच्या कहते हैं, और जो धन मांगते हैं वो लोभी होते हैं, ठीक ना। तो चेला बनाने से, मीठी बाड़ी के जाल में फंसाने से कुछ नहीं होता, क्या चाहिए यदि वास्तव में गुरु बनना है तो कितने चरित्रों की जरूरत पड़ती है, यही एक दोहे में सब निहित है, ध्यान से सुनिएगा। तो दुहु दिसि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी, धीरे धीरे इति राम ही उतराव नहीं बखानी। दोनों ओर के योद्धा, राम जी और रावण के तरफ के योद्धा, अपने अपने मालिकों का नाम यानी जय जयकार करके, अपनी अपनी जोड़ी जान करके भिड़ गए। और क्या होता है, यही से समझने की बात आती है, और संभव हो तो आप नेत्रों में देखिएगा, क्योंकि यह व्यवस्था है, इसी से सारा कार्य होना है। तो रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, देखी विभीषण। रावण रथ पे चढ़ के आ रहा है और श्री राम जी बिना रथ के हैं, उनके पास कोई रथ नहीं है। तो ऐसा देख करके विभीषण जी अधीर हो जाते हैं, जिससे लोग ज्यादा प्रेम करते हैं, जैसे आप कभी कभी यह बात बोलते हैं, जिससे लोग ज्यादा प्रेम करते हैं उनको किसी प्रकार का क्षति न हो, ऐसा भाव होता है ना। तो यद्यपि कि विभीषण को पता है कि ये प्रभु अतुलनीय है, एक है, इनको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन भयंकर रूप लेकर के रावण आ रहा है, तो जानते हैं संदेह कब होता है। अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। अधिक प्रेम होने कारण संदेह होता, जिसको खूब मानिए तो लगेगा कि देखिए कोई खतरा न हो इस पर, है ना। तो प्रेम भी बड़ा खतरनाक व्यवस्था है, अधिक प्रेम भी बड़ा खतरनाक। अब देखिए अधीर हो गए, और उसके बाद रावण आ रहा सामने से, और विभीषण जी पैर पकड़ के पूछ रहे हैं, प्रेम के साथ ही पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, अकेही विधि जीतब अबीर बलवाना, अकेही विधि जीतब। रावण आ रहा है राम जी को युद्ध करना है, और विभीषण जी पूछ रहे हैं कि नाथ, न तो आपके पास रथ है
और ना तो कोई चरण में चरण पादुका है। आप किस प्रकार से इस रावण को जीतेंगे तब बतावे। रावण चला हुआ था उसे युद्ध करें कि बतावे। थोड़ा सा भाव से समझल जा, पवित्र भाव से। मुंहवा बाल ले बहन करके आए बजे ठीक बा, माने तब पवित्र भाव से ठीक ने। लेकिन देखिए प्रभु राम जी कितने कृपालु हैं, ऐसे स्थिति में भी समझाते हैं। कोई भी देखेगा तो मन में भय आएगा ही। तो सुनहु सखा कह कृपा निधाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, अजेही जय होई सो स्यंदन आना, जेही जय होई। ठीक न, कहते हैं सखा विभीषण सुनो, जिस रथ पे चढ़ करके जय होता है वह रथ दूसरा है, वह रथ यह इस रथ से काम नहीं चलेगा। बाबा जी है तो त्यागी रहो, बाबा जी है तो भोगी बने से योगी नहीं हो सकते। समझल जा बात की, थोड़ा सा भाव में समझिए। हर जगह से मन हटा के तो देखियो बता रहे रथ कौन सा है ना। इसी रथ को आप जरा पकड़ने का कोशिश करिएगा, क्या कि यही रथ से विजय हुई। तो इस रथ के लिए क्या है कि सौरज धीरज अते ही रथ चाका, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, असत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, असत्य शील। तो कहते हैं शूरता और धैर्य, शूरता और धैर्य इस रथ के चक्के हैं भैया, और सत्य और शील, यह दोनों सत्य है ध्वजा और शील है पताका। ध्वजा माने वही डंडा जिस पर पताका लहरता है। तो सत्य और शील, शूरता और वीरता तो हो गया रथ का पहिया, सत्य और शील क्या है ध्वजा और पताका। असत्य का जरूरत नहीं है, और सत्य कौन बोल सकता है, जिसका मन निग्रह हो, जिसकी इंद्रियां बस में हो, जिसके अंदर अहिंसा का भाव हो, जिसके अंदर अस्तेय हो, चोरी न करना, मेरा रू दूसरे का हक स्वामी, यहाँ तो उल्टे सब चलौता, पत्नी दूसरा और स्वामी। कोई धरती पर भगवान का सेवक बन सकता है स्वामी नहीं। और इसके बाद ब्रह्मचर्य, पांच व्यवस्था है ना, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, अस्ते, ब्रह्मचर्य, तब निकलता है सत्य। और सत्य क्या है, मात्र वही डंडा, क्या है डंडा जिसमें पताका लगेगा। और चार घोड़े हैं इस रथ में, क्या जुड़े हैं, चार घोड़े। इसमें लिखा है बल, लेकिन इसको काट देते हैं क्योंकि शरीर के शक्ति से कुछ नहीं होगा, ये सब शोध किया हुआ व्यवस्था है। तो यम विवेक दम परहित घोरे, क्षमा दया समता रजु जोरे। अगर कृपा लिखा हो तो वहां दया काट के करिए, क्योंकि मिस प्रिंटिंग भी बहुत हो गई है। और यह बल है यम, संयम होना चाहिए। संयम में देखिए गुरु की बात है, क्योंकि गुरु विश्व पर विजय प्राप्त करके सबको ज्ञान देता है ना, तो वही कहते हैं कि संयम और विवेक। डॉक्टर साहब संयम
और विवेक। संयम क्या है? अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य, सत्य और अपरिग्रह। विवेक क्या है? हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनु रागा। माने जब विवेक होता है तो मोह और भ्रम नहीं होता है। अगर किसी को जो है मोह है, मोह में वही सब कामनाएं हैं, तो उसके पास विवेक नहीं है। और देखिए, विवेक मात्र एक घोड़ा है इस रथ का। और दम, दम माने इंद्रिय निग्रह, दम माने, और साथ में परहित, साथ में परहित। परहित का मतलब कि जीवन भर दूसरे का जो हित ही किया हो। पहचानिए कि ये सब जो है कि रथ के जो अंग बताए गए हैं, वह जहाँ दिखेगा वहीं से कार्य होगा। ये सब व्यवस्था जो गुरु के रूप में बैठे हैं उनके अंदर होनी चाहिए। यह न भैया बतावे हुआ चाहिए, हुआ चाहिए, देखिए समझा जाए। हाँ, अच्छा मादया समतार जुजोड़े। और ये चारों घोड़े किसमें जुड़े होंगे? क्षमा माने कि क्रोध नहीं होना। जब नोटिस गया तो गुंडा फेंस ले, ये सब नहीं होना। क्षमा, दया और समता माने समदर्शी का भाव। सबको एक समान से देखिए, ये नहीं कि जो धन लाने वाले हैं पास आए, जो दर्शन करने वाले हैं दूर से, ऐसा नहीं होना। सबको एक ही भाव सुनना चाहिए। क्षमा, दया और समता के रस्सी से जुड़ा हुआ है। क्या क्या? यम, विवेक, दम, परहित घोड़े, ये चारों घोड़े क्षमा, दया और समता के रस्सी से जुड़ा हुआ है। तो कहते इसका सारथी कौन होगा? तो इस भजन सारथी सुजाना। जो भगवान का भजन है यही इस रथ का सारथी है। और विरति चर्म संतोष कृपाना, वैराग्य ढाल है, वैराग्य ढाल है। और संतोष ही वो तलवार है। संतोष कहाँ बा? न तो वैराग्य बा, न संतोष बा। हाँ बच्चा लाओ, धन लाओ, गमछा ले ले, कहाँ बात सुरेश भाई। नहीं, ऐसे काम न चली, ये समझा जा। कहे कि भैया जो भी व्यवस्था समझा बा, जाना बा, इनमें कोनो शंका उनका नहीं बा। ऐसा व्यवस्था रही तब ज्ञान के प्रकाश से भक्तन के अंदर का अज्ञान दूर हुई। और कहते हैं कि दान परसु बुद्धि सति प्रचंड, और बर विज्ञान कठिन को दंड। कहते हैं दान ही फरसा है, दान ही फरसा है, और बुद्धि ही प्रचंड शक्ति है। ध्यान दे, बुद्धि ही भैया ऊ बा, बड़ा सोच सोच करके सब भावा, बहुत अलग बात है कि कपटी लोग एहू में घुस गा बा। शरीर के शक्ति में जोश में आवा से कुछ न हो। सही सही बात बा कि इतना चीज हुआ चाहिए, क्या कि भगवान राम जी के बाड़ी है, कहीं कटे वाला नहीं बा। कहे कि गुरु यही से तो भगवान से बड़ा मानल जाले कि है जितना पंचभूत का शरीर बा, तो के भाई कस करके उतना निर्मल बनेबे तब न होई। गुरु के अंदर कोनो छल कपट न होए के ध्यान दे, समझा जाए। कहे कि बात बहुत अलग बा। और कह रहे हैं कि श्रेष्ठ विज्ञान ही कठिन धनुष है। वो जो विज्ञान रहा डॉक्टर साहब संसार वाला, जब वो विज्ञान छूटा तब ही विज्ञान होता। तो श्रेष्ठ विज्ञान ही कठिन धनुष है।
धनुष है तो फिर वो चाहिए, बाण और चाहिए, तरकस चाहिए। तो अमल या चल मन त्रोन समाना, त्रोन माने वही सर्कस। अमल और अचल मन, मन में कोई मैल न हो, मन में कोई मैल न हो और अचल हो, माने भगवान के भक्ति के अलावा और भगवान के भक्तों के अलावा। देखिए यहाँ पर जो भी वाणी बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों के साथ खिलवाड़ हुआ है, यहाँ पर लोग 20-20 साल से जो है कि बाबा को पूज रहे हैं और झूठ तक भी नहीं छोड़ पाए हैं, हो रहा है समाज में आप देख रहे हैं नहीं? तो भाई गुरु जी का अगर आप सेवा करें तो सदमार्ग होना चाहिए। तो ये सब जो लालच, काम, गुस्सा, घमंड, जलन सब मिटे के चाहिए, और यहाँ झूठो नहीं छूट पावता, तो मामला ठीक बा, समझा जा। कहे की बात एकदम में अलग बना। तो कहत है कि अमल या चल मन त्रोण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना। वही मन निग्रह, संयम, सम, जम, जम माने संयम और नियम, पांच संयम पांच नियम, वही बारह व्यवस्था, बारह को समझ ले आप लोग, गिनती से गिन ले। मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, अस्ते, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह और शौच, संतोष और तप, ईश्वर परिधान और स्वाध्याय, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। ये बारहों का बारहों माने जैसा शुरू में ही चर्चा किया कि भैया ये शरीर का मालिक ईश्वर है भाई, और अहंकार के जगह देखे पक्का पक्का रखे के पड़ी जी। तो यह बारह जो है हर संत के अंदर होना चाहिए, अगर जो संत का चोगा धारण भी करना चाहे, अगर नहीं है तो संत का चोगा धारण करने की जरूरत, क्योंकि तो संत का भेष देख करके लोग जो है कि श्रद्धा के भाव के साथ जाते हैं। तो कहते यही जो है सिली मुख माने बाढ़, सिली मुख माने। तो अमल अचल मन त्रोण समाना, संयम नियम सिली मुख नाना। तो कहते हैं इतना तो हो गया, ध्यान दीजिएगा, इतना तो हो गया, लेकिन युद्ध में ना वो बुलेट प्रूफ भी चाहिए। अगर कहीं से सैनिक जो है प्रहार करें तो देखिएगा, कवच या भेद बीप गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय ने जुदूजा। ब्राह्मण और गुरु के चरणों की सेवा, ब्राह्मण और गुरु के चरणों की सेवा यही कवच है। और आज जितने भी पंथधारी हैं उसमें भी हर कोई ब्राह्मण का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। अरे भाई बिना ब्राह्मण बने, जो ब्राह्मण के भी नौ गुण होते हैं ने, वो सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, जब तक इस गुण को धारण नहीं करेंगे तब तक कैसे ब्रह्म को जान लेंगे? और ब्रह्म को जान गए तो मुक्त क्यों नहीं है, क्यों नया पंथ निकाल रहे हैं? तो यही कर रहे हैं कि एक कवच है। पहले के जो संत लोग थे, जैसे कि आपके परमहंस जी रहे, सतगुरु बाबा रहे, सब लक्ष्मी अग्नि से दूर रहने वाले लोग हैं, माने लक्ष्मी से दूर रहे कम से कम। आज जी हाँ देवरावा बाबा भी रहे, आज यहाँ पर क्या है कि अब वो गुरु जैसा चरित्र आप उनसे ज्ञान लिए ना, तो गुरु की मर्यादा, तो गुरु की मर्यादा तो तभी है जब आप गुरु के आचरण को अपने शरीर में डालें। ज्ञान प्राप्त कर लिए लगे धन लूटने, तो गुरु का विरोध, ब्राह्मण का विरोध, परमात्मा की जगह अपने शरीर का फोटो पूजा कराना, गुरु परमात्मा का विरोध। तो ध्यान दीजिएगा आगे बोलने के पहले कि परद्रोही परदार रत,
अपरधन पर अपवाद सोनर पावर पापमय देह धरे मनुजात। जो द्रोही हो और दूसरे के नारी का स्वामी कहलाता हो परदार, और परदार माने दूसरे के नारी का से अपने आप को स्वामी कहलवाना या तो दूसरे के नारी के ऊपर जो है नजर डालना, और परधन दूसरे के धन पर अपना अधिकार समझता हो। सो नर पावर ऐसे मनुष्य मात्र पशु हैं, पापमय ऐसे मनुष्य मात्र पापमय हैं, पाप से भरा हुआ और देह धरे मनुजात, मनुष्य के रूप में मात्र वह राक्षस शरीर धारण किए हैं। ऐसे सभी के सभी आश्रमधारी और मुखिया बैठे हुए हैं आपके समाज में, क्योंकि दूसरे का धन भी हरण करते हैं और नाम के आगे स्वामी भी लगते हैं और परमात्मा की जगह फोटो और मूर्ति का पूजा भी कराते। यह बात बड़ा विचारणीय है, इसको आप लोग धीर बुद्धि करके समझिएगा, क्योंकि पूरे धरती पर व्यवस्था हो गई कि एक आदमी मन को भी नहीं पवित्र करना चाहता। कहते हैं कि लोग छुटबे न करी, एक जन्म में मुक्तियां न हुई, क्या क्या सब बैठा रखे हैं, जनमानस पूरा उथल पुथल हो गया। तो कोई बात नहीं, कहते हैं भगवान राम जी कि ब्राह्मण और गुरु का पूजन अभेद कवच है और इसके समान विजय का दूसरा उपाय तू सखा धर्म मय असरथ जाके अजीत न सकही तहुरी पुता के। देखिए कैसे कितना अच्छा बात बता रहे हैं विभीषण जी को राम जी। श्री राम जी कह रहे हैं कि हे सखा, जिसके पास ऐसा रथ हो उसको विश्व में कोई नहीं जीत सकता है। तो महायजय संसार रिपु अजीत सकई सो वीर अजाके अस रथ हो दृढ़ सुनहु सखा मती। कहते हैं धीर बुद्धि वाले सखा विभीषण जी, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वही जो है जन्म मृत्यु वाले संसार को जीत सकता है। और रावण की तो बात क्या है, ठीक ना। तो ठीक है, इसी के साथ बाड़ी को विश्राम दिया जाए, या तो एक दोहा और कह लेने दीजिए अगो में, नहीं आगे नहीं बस यही। तो आप लोगों को भाई खुश होना चाहिए। अब देखिए जैसा भाव होगा वैसे ही बुद्धि पर जाएगी बात, लेकिन यहाँ पर जो है सुनि प्रभु बचन विभीषण हरस गहे पद कन यही मिस मोहि उपदेश हूँ राम कृपा सुखपुंज। कहते हैं कि प्रभु की ऐसी बाणी सुन करके विभीषण जी हर्षित हो जाते हैं और प्रभु के चरणों पर जाकर गिर पड़ते हैं। और कहते हैं कि कृपा और सुख के समूह श्री राम जी आपने इसी बहाने महान उपदेश दिया। तो ध्यान दीजिएगा, इन सब विरक्तियां नहीं है कहीं नहीं, देख तो रहे हैं विरक्ति, ये सब एक एक ठो जो है उस रथ के उपकरण है जो कि इस रथ में लगेंगे। संतोष विरक्ति क्षमा दया सत्य शील सुरता वीरता यह सब व्यवस्था होनी चाहिए। सम दम नियम नीति नहीं डोले, यही बार हो सम दम नियम और नीति, और परुष वचन कबहू नहीं बोले। आज सम दम नियम नीति सब डोल गया, बस खाली परुष वचन की जगह जो है मीठी बाड़ी का सहारा लो लिए हैं, ये न समझा जा। कब तू तंदी बुढ़ी के बाद तो संगी का बनाई छोटकर संगी बना लेना, कहे कि कमी तो हर कोई देखे चाहला। समझल जा बात के यहाँ से व्यवस्था बा, जब भगवान से बड़ा उपाधि देवा बा तो भगवान के अंदर ये सब गुण है, तो इतना बड़ा चीज रखो, ठीक ना।
तो ठीक भाई यही के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुते हनुमान की जय, सभी वीर भक्तों की जय।